नेत्रकेश, देखो सखा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने तुमसे कहा था ये लोग ज्ञान की भाषा को नहीं समझेंगे। देखो तुम्हारे प्रिय वृंदावन वासियों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। वृंदावन वासी सदैव ज्ञानियों का सम्मान करते हैं, फिर तुमने ऐसा क्या ज्ञान दे दिया जो वे इतने क्रोधित हो गए? ये पूछो ऐसा कौन सा ज्ञान मैंने उन्हें नहीं दिया। तुम्हारे तत्व ज्ञान, भक्ति ज्ञान और योग ज्ञान को मुझसे अधिक कौन जानता है? परंतु तुम्हारे भक्तों को मेरा कोई भी ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। सखा तुम तो जानते हो वृंदावन वासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का सम्मान करते हुए तुम्हें ज्ञान देना चाहिए था। उन्हीं के प्रेम को समझते हुए मैंने तुम्हारे हर रूप, तुम्हारे हर पक्ष को उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु जिस प्रकार सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार उन्हें केवल तुम्हारा एक ही रूप दिखाई देता है मित्र। सखा ये तो बताओ, उनका मन परिवर्तित हुआ? जल समाधि का निर्णय बदला उन्होंने? हाँ बदला, अब उन्होंने जल समाधि का निर्णय त्याग दिया है मित्र, परंतु अब वे अग्नि समाधि लेने जा रही है। ये क्या कह रहे हो सखा? ये तो और भी कठोर निर्णय है, हमें उन्हें रोकना होगा सखा। हमें नहीं मित्र, अब केवल तुम्हें ही उन्हें बचाना होगा, क्योंकि उनके हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उन पर मेरे ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है मित्र। सखा उन्हें रोकने का कोई तो मार्ग होगा। उन गोपियों को बचाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें स्वयं वृंदावन जाना होगा मित्र। हे कृष्ण, हमने तुम्हें हर प्रकार से पुकारा, हर तरह से तुम्हारी भक्ति की, किंतु हो सकता है कि हम इस योग्य ही नहीं कि हमें तुम्हारे दर्शन हो। और तुम्हारे दर्शन के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं, इसलिए हम सब अग्नि समाधि लेने जा रहे हैं। मुरली का स्वर, ये तो कान्हा की मुरली के स्वर है। इसका अर्थ है हमारे कृष्ण आ गए। हम जानते थे कृष्ण के यहाँ देर है, किंतु अंधेर ने वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। किंतु वो है कहाँ? कहाँ से आ रही है उनकी मुरली की ये धुन? यह मुरली का स्वर तो उत्तर दिशा से आ रहा है, इसका मतलब वही है हमारे कृष्णा। चलो प्रभु, आप आ गए। आपने हमारी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी प्रभु। ये आप सबकी भक्ति है जो मुझे यहाँ खींच लाए। जितने प्रसन्न आप सब हैं, उसे कहीं अधिक प्रसन्न मैं हूँ आप सबको यहाँ देखकर। प्रभु, अब आप यहाँ आ गए हैं तो हमें वचन दीजिए कि आप हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। इस संसार का नियम है परिवर्तन, और जीवन की प्रवृत्ति है बढ़ते रहना, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आप सबको छोड़ के जाना पड़ा था। कान्हा, तुम्हारे पास हमारे सभी प्रश्नों के सदैव उत्तर होते हैं, किंतु आज हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। हाँ प्रभु, हमें वचन दीजिए, या तो आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, या फिर जहाँ भी जाएंगे हमें साथ लेकर जाएंगे। आप सबकी भक्ति अद्भुत है, अपूर्ण होने के पश्चात भी पूर्ण है, क्योंकि आप सब मुझे बुद्धि से नहीं हृदय से प्रेम करते हैं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मेरा सूक्ष्म रूप वृंदावन में सदैव वास करेगा। मैं आप सभी के साथ इस वृंदावन की पावन धरती में रास करूंगा, किंतु ये रास कोई नहीं देख पाएगा, पशु पक्षी भी नहीं। किंतु ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि मैं अपना समय केवल और केवल गोपियों के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। प्रभु, हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हमारी एक ही इच्छा है, आपके दिव्य और विराट रूप का दर्शन। हाँ प्रभु, हमने सदैव आपका केवल बाल रूप ही देखा है, इसलिए हम आपकी भक्ति पूर्ण रूप से तब तक नहीं समझ सकती जब तक कि
हम आपके विराट रूप का दर्शन न कर लें। हमें दर्शन दे प्रभु, हमें दर्शन दे, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। यथास्तु। इस प्रकार से अपने भक्तों की इच्छा केवल प्रभु ही पूरी कर सकते हैं। धन्य है प्रभु जो उन्होंने सदैव अपने भक्तों के साथ रहने का उन्हें वरदान दिया। आपने सत्य कहा गुरुदेव, अब आने वाले अनंत युगों तक भी प्रभु श्री कृष्ण अपने सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों के साथ मंदिर वन में वास करेंगे। गुरुदेव, निसंदेह प्रभु ने उनके भक्तों को उनकी भक्ति का फल दिया है, किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनके भक्तों के अतिरिक्त उन्हें इस वन में और कोई नहीं देख पाएगा। इस संसार में अनेकों ऐसे स्वार्थी मनुष्य हैं जो कृष्ण की भक्ति के स्थान पर केवल उनसे अपना स्वार्थ साधन करना चाहते हैं। यदि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो गए तो वे व्यर्थ ही कृष्ण से वरदान पाने का हट करेंगे। इसलिए कृष्ण ने अपने वृंदावन वासियों को यह वरदान दिया है, यदि कोई इस वन में निश्चल भक्ति और निष्काम भाव से प्रवेश करेगा तो ही उन्हें कृष्ण के दर्शन होंगे। किंतु गुरुदेव, गोपियों ने प्रभु श्री कृष्ण से जो हट किया है, क्या वो स्वार्थ नहीं है? नहीं देव, ये उनकी आत्मिक उत्कंठा थी जो कृष्ण की भक्ति से ही प्रेरित थी, और यही कारण है कि कृष्ण को ना चाहते भी उन्हें दर्शन देने पड़े। आपने सत्य कहा गुरुदेव, कृष्ण तो है ही भक्त वत्सल, वे सदैव अपने भक्तों के हर दुख दूर करते हैं, किंतु ये कौन भक्त है जो बिल्कुल विक्षिप्त की भांति प्रभु श्री कृष्ण को पूरे वृंदावन में खोज रहा है? प्रभु कहाँ है आप, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। गाय माता, क्या आपने कृष्ण को देखा है? गाय माता भी मौन है, लगता इन्हें भी नहीं पता है। क्या आपने कृष्ण को देखा है? आपने भी नहीं देखा। मित्र, क्या आपने कृष्ण को देखा है? नहीं तो? आपने भी नहीं देखा है। मैं किससे पूछूं कि कान्हा, हे माखन की मटकियों, तुम्हारे पास तो कान्हा अक्सर आते हैं, क्या तुम्हें पता है कृष्ण कहाँ है? तुमको भी नहीं पता है तो मुझे कौन बताएगा कि मेरे कृष्ण गोपाल कहाँ है? हे कदम के वृक्ष, तुम्हारे छांव तले तो सारी लीलाएं की है लीलाधारी ने, क्या तुमको भी नहीं पता है कि कहाँ है लीलाधारी? बताओ मुझे, किसी ने तो कृष्ण को देखा होगा। हे मृग, हे मयूर, हे पक्षियों, मुझे बताओ, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? कोई कुछ नहीं बोलता, सब मौन है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां ढूंढूं अपने कृष्ण को? देवगुरु, आप मौन क्यों हैं और कौन है प्रभु के भक्त जो कण-कण में प्रभु को ढूंढ रहे हैं? देवराज, ये नारायण के परम भक्त जड़ भरत है। गुरुदेव, किंतु कौन है ये जड़ भरत? जड़ भरत की यात्रा केवल इस जन्म की नहीं है, अभी तो वो पूर्व के कई जन्मों से प्रभु नारायण के परम भक्त है। देवो, जड़ भरत नारायण के ऐसे परम भक्त थे, उनकी भक्ति ऐसी पवित्र और दिव्य थी कि प्रभु को स्वयं उसके पास आना पड़ता था। हे नारायण भक्तों, लीजिए प्रभु का प्रसाद ग्रहण कीजिए। ऋषिवर क्षमा करें, प्रतिदिन की भांति आज भी प्रभु का प्रसाद आपके पास आने से पूर्व ही समाप्त हो गया। आप नारायण के इतने बड़े भक्त हैं, आपके हाथ से दिया गया अन्न भी प्रसाद के समान है, कृपा करके मुझे अन्य फल दे दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। दास, किंतु गुरुदेव,
नारायण के इतने बड़े भक्त की आज इतनी बुरी दशा? हाँ गुरुदेव, यदि जड़ भरत नारायण के इतने बड़े भक्त हैं, तो उन्हें प्रभु के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? देवो, इसका भेद समुद्र मंथन के बाद अमृत के लिए देवताओं और असुरों में हुए संघर्ष में छिपा है। गुरुदेव, वह संघर्ष तो देवों और असुरों के मध्य था, भला उसका जड़ भरत के जीवन से क्या संबंध? संबंध है देवो, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि समुद्र मंथन से मिले अमृत कलश को लाहू ने छल पूर्वक देवों से छीन कर भाग रहा था, तब प्रभु ने सुदर्शन से राहु का सर खंडित कर दिया था, किंतु अमृत पान करने के कारण राहु अमर हो गया था, और तब राहु ने नारायण से ये कहा था, विष्णु तूने मेरा छल पूर्वक वध किया है, किंतु अमृत पीने के कारण अब मैं अमर हो गया हूं, और ये अमृता तेरे भक्तों के लिए श्राप बनेगी। बहुत प्रेम है ना तुझे अपने भक्तों से, अब देखना तेरे वही भक्त राहु के कोप का भाजन बनेंगे। तुम्हारे प्रिय भक्तों को भी मैं वही दंड दूंगा, वही कष्ट दूंगा जो तुमने मुझे दिया है। देवो, राहु के इस निर्णय के बाद ये नियति बन गई थी, आठों पहर में से जब कभी भी राहु काल आता तो उस समय राहु प्रभु के भक्तों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता। तो क्या उस समय प्रभु अपने भक्तों की राहु से रक्षा नहीं कर पाते थे? प्रभु अपने भक्तों को भला अकेला कैसे छोड़ सकते? प्रभु राहु काल में अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव किसी न किसी रूप में उनके पास उपस्थित रहते थे, और अपने परम भक्त जड़ भरत की रक्षा के लिए भी वो यही करते थे। महाराज की जय हो। प्रतिदिन की तरह मैं आज भी नारायण का प्रसाद लेने आया हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ ऋषिवर, प्रतिदिन की तरह आज भी आप देर से आए, ईश्वर का प्रसाद समाप्त हो चुका है, किंतु मैंने आपके लिए भोजन का प्रबंध किया है, इसलिए आइए भोजन ग्रहण कीजिए। ये विष्णु राहु काल में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रतिदिन उनके पास आ जाता है, किंतु विष्णु मैं राहु हूं राहु, अरे तू जितनी चाहे अपने भक्तों की रक्षा कर ले, तेरे भक्तों को राहु का दंड भुगतना ही पड़ेगा। और इस प्रकार राहु को कभी भी प्रभु के भक्तों को कष्ट पहुंचाने का अवसर नहीं मिल पाता था, किंतु राहु किसी भी प्रकार जड़ भरत का अहित करना चाहता था, उन पर संकट बनना चाहता था, और एक दिन राहु ने एक युति ढूंढी निकाली। राज ज्योतिषी जी, मैं प्रभु विष्णु का एक विशेष अनुष्ठान करना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा? महाराज, मैं अभी अंकों की गणना करके आपको शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। ज्योतिषी, अब तुम शुभ मुहूर्त नहीं राहु का मुहूर्त बताओगे। महाराज, विष्णु अनुष्ठान के लिए अभी सबसे शुभ मुहूर्त एक पहर बाद का है। तब तो मुझे अभी से ही अनुष्ठान की तैयारी कर देनी चाहिए। अवश्य महाराज, किंतु इसके लिए आपको स्वयं वन जाकर हरि का प्रिय विशेष पुष्प लेकर आना होगा, इससे प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वन जाके प्रभु को अर्पित किए जाने वाले पुष्प लेके आता हूँ। महाराज, अब आपको मिलेगा राहु काल का विशेष फल। देवो, राहु के षड्यंत्र में फंसकर जड़ भरत राहु काल में अपने प्रभु नारायण के लिए पुष्प लेने के लिए वन में चले गए, इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ कि उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण भक्त, अब मैं भी देखता हूँ
कि तुझे तेरा नारायण कैसे बचाता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। कितना सुंदर मृग है और मनमोहक भी। ऐसा लगता है जैसे इसमें साक्षात प्रभु विष्णु का वास हो। हे व्याघ्रराज, ये मृग मेरे प्रभु की अनुपम कृति है। इसमें मेरे प्रभु के साक्षात वास हैं। इस मृग को अपना भोजन मत बनाइए। राजन, यदि मैं इसे नहीं खाऊंगा तो स्वयं भूखा मर जाऊंगा। ये तो स्वयं नारायण द्वारा निर्धारित जीवन चक्र है। आप सत्य कह रहे हैं। इस संसार की समस्त व्यवस्था मेरे प्रभु नारायण के ही बनाई हुई है, इसलिए मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किंतु इस मृग में मुझे मेरे प्रभु का रूप दिखाई दिया है, इसलिए मैं इसके प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं इस मार्ग को छोड़ भी दूं, पर आप ही बताइए राजन कि फिर मैं खाऊंगा क्या। हे व्यागराज, आप मुझे इस मृग के बदले अपने भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। मुझे तो केवल भोजन चाहिए, चाहे आप हो या ये मृग, मुझे स्वीकार है राजन। नारायण की जय हो। कृपया करके भिक्षु को प्रसाद दें। क्षमा करें ऋषिवर, पर महाराज तो अभी हरि की पूजा के लिए विशेष पुष्प लेने वन गए हुए हैं। राहु काल में महाराज पुष्प लेने क्यों गए? अवश्य ही राहु का कोई छल है। इसका अर्थ कि महाराज का जीवन संकट में है, मुझे उनकी जीवन की रक्षा करनी होगी। विष्णु, मैंने कहा था ना कि राहु काल तेरे भक्तों के लिए अत्यंत दुखदायक है। महाराज, ये क्या किया आपने? ऋषिवर, ये जीवन मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मैंने उन्हें को अर्पित कर दिया। किंतु राजन, नहीं ऋषिवर, मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं। मुझे तो संतोष है कि किसी की रक्षा करते हुए ये मेरे प्राण गए। तो ये छलावा था, राहु का छलावा। कैसी विडंबना, आपकी मृत्यु राहु के द्वारा राहु काल में हुई, इसलिए मैं जाकर भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। किंतु मैं वचन देता हूं, द्वापर युग में मेरे कृष्ण अवतार के समय मैं आपका उद्धार अवश्य करूंगा। देवो, यही कारण है कि प्रभु के परम भक्त जड़ भरत जन्म जन्मांतर से मुक्ति की चाह में भटकते रहे और अपने उद्धार की आस में प्रभु को ढूंढते हुए वृंदावन तक पहुंच गए। हे कृष्ण, हे जगत प्रभु, कहाँ हैं आप? वृंदावन के हर जीव हर प्राणी से पूछा, पर आप नहीं मिले। कहाँ हैं प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। चिंता मत करो मित्र। आप कौन है जो मुझे इस दुख की घड़ी में सांत्वना दे रहे हैं? मित्र, तुम वृंदावन में हो और यहाँ कोई किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करता। बताओ कौन हो तुम और क्या है तुम्हारा दुख? मैं जड़ भारत हूँ। मैं यहाँ कृष्ण की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ, किंतु कृष्ण है कि मुझे कहीं मिलते ही नहीं है। कैसे मिलेंगे, क्योंकि तुम तो उन्हें पाना चाहते हो, उनसे मिलना नहीं चाहते। क्षमा चाहता हूँ, किंतु कृष्ण को पाने और मिलने में अंतर क्या है? मित्र, जो कृष्ण को खोजना चाहते हैं उन्हें कृष्ण कभी नहीं मिलते, किंतु सच्चे मन से जो कृष्ण को मिलना चाहते हैं उन्हें कृष्ण हर दिशा में कण कण में मिलते हैं। यदि कृष्ण कण कण में है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं?
क्योंकि मित्र आप उन्हें स्थूल दृष्टि से देख रहे हैं, अपने मन की दृष्टि से देखिए। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल, कृष्ण आपको अवश्य दिखेंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं अभी यही करता हूं। कृष्णा